देख रहे हैं सैम प्लस न्यूज़ ऐसी खबर शामिल करते हैं डेरा अमराज जमाली से। पहला आल सिंध बलोचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट नसीराबाद इफ्तिताही मैचों का आगाज कर दिया गया है। इफ्तिताही मैचेस में औसा मोहम्मद और मच ने अपनी अपनी कामयाबी हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और डायरेक्टर स्पोर्ट्स बलोचिस्तान के तावन से पहला आल सिंध बलोचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट के हवाले से आज दिनार फुटबॉल स्टेडियम में दो शानदार मैच खेले गए। पहला मैच मच और सबतपुर के दरमियान खेला गया, जिसमें मच ने सबतपुर को 8 गोल से शिकस्त दे दी, जबकि दूसरा शानदार मैच औसा मोहम्मद और झलमक्सी के दरमियान खेला गया, जिसमें औसा मोहम्मद ने झलमक्सी को 5 गोल से शिकस्त देकर कामयाबी अपने नाम कर ली। इफ्तिताही मैच के मेहमान खसूसी नसीराबाद के सियासी और कबायली शख्सियत मीर शौकत जान बंगला जई थे। इनके हमरा डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स फेरोज अली, स्पोर्ट्स ऑफिसर झलमक्सी काजी अल्ताफ हुसैन और स्पोर्ट्स नसीराबाद मोहम्मद रहीम हाजी, शेर अहमद खजियाई, मीर नसीरुल्ला पंद्रानी वडेरा, अब्दुल कदीर बंगलाजई को टूर्नामेंट आर्गेनाइजर खान जान बंगलाजई, डिप्टी आर्गेनाइजर खलील अहमद बंगलाजई ने मेहमान खसूसी मीर शौकत जान बंगलाजई को खिलाड़ियों से तारफ करवाया, जबकि टूर्नामेंट मैच के रेफरी मोहम्मद असलम, जबकि लेन मैन मोहम्मद हनीफ बलोच और गुलाम अला जहरी ने सर अंजाम दिए। सैम प्लस न्यूज़ जाफराबाद बलोचिस्तान।